कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और सरकार द्वारा हाल ही में लगाई गई पाबंदी का सबसे ज्यादा असर शादी विवाह में बैंड बाजे से जुड़े व्यवसाय करने वाले तबके पर पड़ा है, जिसके चलते बैंड एसोसिएशन मुरादाबाद ने आगे आकर सरकार के सामने अपनी बात रखी है। एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि अब तो नौबत सामूहिक आत्मदाह तक पहुँच गई है। पिछले 7-8 महीनों से गुर्बत की जिंदगी बसर कर रहा बैंड बाजा व्यवसाय से जुड़े तबके के सब्र का बांध उस समय टूट गया जब उत्तर प्रदेश सरकार ने शादियों में डीजे और बैंड बाजे को बैन कर दिया। एसोसिएशन के अनुसार वो लोग नवंबर दिसंबर में होने वाले सहलग का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने बाजार से पैसा भी ब्याज पर लिया हुआ था और प्रदेश सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन में बैंड बाजा बारात पर लगे प्रतिबंध से वो लोग आहत हैं। अगर उन्हें राहत नहीं मिलती तो उनके सामने आत्मदाह करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। इसके लिए सभी संगठनों से जुड़े लोग मुरादाबाद के गांधी पार्क में जमा हुए और एक जुलूस की शक्ल में कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपते हुए प्रदेश की योगी सरकार से मांग की कि उन्हें मध्य दिसंबर तक कुछ रियायत दे दी जाए, जिससे कि उनके परिवारों का पालन पोषण हो सके। वो कोविड-19 की नियमावली का पूरी तरह से पालन करने को तैयार हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम मास्टर रंजन मसूदी, बैंड बाजा एसोसिएशन जिला मुरादाबाद जिला अध्यक्ष। किस संबंध में आज यहां पर आए? आज हम इस संबंध में आए कि कुछ मीडिया के माध्यम से ये पता चला है कि बैंड वालों के लिए कहीं कहीं रुकावट है, कहीं कहीं खुला हुआ है। इस वजह जिला अधिकारी महोदय को हम पूरे जिले के बैंड वाले हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि 8 महीने से खाली हम बिल्कुल बेरोजगार हैं, बच्चे परेशान हैं। अब अगर ऐसा परिस्थिति हमारे हम लोगों के सामने आई बैंड वालों के, अब क्योंकि ये हमारा सीजन 25 तारीख से देवधान की काशी की लगन है और 12 दिन कुछ 6-7-8-10-12 दिन का सीजन है, अगर इसमें हमें कोई दिक्कत आती है तो हम बैंड वाले पूरे ज़िले के नहीं, पूरे ज़िले के बैंड वाले हम कहीं के नहीं रहने के। हमारे बच्चे पालन पोषण से बेकार हो जाए, चाय पीने का भी नहीं बचेंगे। अब तक हम किराया भाड़ा जो दुकानों का किराया दे रहे हैं वो भी हमसे नहीं निकल पाएगा। हमने कर्जा ले कर जैसे ब्याज पे लेके हम कारीगरों को दिया है, तो हम इस माध्यम से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने का, माननीय मुख्यमंत्री से हमारे ये ज्ञापन जाए, हमारी बात जाए, जिससे कि बैंड वालों को कोई दिक्कत नहीं आए, कोई परेशानी, और पुलिस हमको अपराधित ना करे, परेशान ना करे। तो डीएम साहब ने नहीं मिले, सिटी मजिस्ट्रेट मिले, बोले हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है, बोले आप कोई बात नहीं। देखो कितने बैंड बाजे वाला रोजगार में शामिल है? इसमें कम से कम कई हज़ार बैंड वाले जिले मुरादाबाद के अंदर कई हज़ार इससे जुड़े हुए हैं, जो कि 8 महीने से बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं। और ये क्योंकि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से, क्योंकि ये महत्वपूर्ण लगना होती है हमारी, जैसे शुरू स्टार्टिंग कल से, कल का दो दिन है, 25 नवंबर देव उठान एकादशी की लगन है, महत्वपूर्ण लगन होती है पूरे हिंदुस्तान की, और 12 तारीख को ये समाप्त हो जाएगी। फिर 4 महीने कोई बैंड वालों के लिए कोई रोजगार भी नहीं है। अगर यहीं अगर 2-4 ये काम हमारे हमें दिक्कत आई तो हम बैंड वाले कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो आत्महत्या करके मर जाएंगे अगर हमारे साथ में, अगर कहीं भी कोई अन्याय किसी बैंड वाले के साथ में हुआ। तो इस माध्यम से हम और मीडिया के माध्यम शुक्र अदा करते हैं कि हमारी बात शासन और प्रशासन तक पहुँचे, जिससे कि हमें कोई परेशानी नहीं आए, और हम आपका भी मीडिया वालों का बहुत शुक्र अदा करते हैं।